नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट बनाना। चॉकलेट बनाना घर में बहुत ही आसान है और ये बहुत अच्छी तरह से घर पे बन जाती है। मैंने ऑलरेडी दो रेसिपी शेयर कर ली है जो कोको बटर और कोकोनट ऑयल से बनाई है, लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड की वजह से आज मैं आपको ये दोनों का उपयोग किए बगैर की चॉकलेट सिखाऊंगी। तो चलिए चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बिना कोको बटर बिना कोकोनट ऑयल से कैसे हम चॉकलेट बनाएंगे। मैंने भगोले में पानी ले लिया है और इसके ऊपर मैंने ये कांच का बर्तन रख दिया है। आप हमेशा कांच के बर्तन में ही चॉकलेट बनाइए। आज मैं आपको अलग तरीके से चॉकलेट बनाना सिखाती हूँ। 2.5 टेबल स्पून वनस्पति घी। वनस्पति घी को हम पिघलाएंगे। कभी भी चॉकलेट बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका जो नीचे का बर्तन होता है उससे बड़ा आपका ऊपर का वेसल होना चाहिए। हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट और इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि बिना कोको बटर या कोकोनट ऑयल से भी मैं चॉकलेट सिखाऊं, तो ये आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो सिखा रही हूं आपको। जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोको बटर और ड्रिंकिंग चॉकलेट, तभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए तभी लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अमूल बटर। ये अमूल बटर आपको सबसे लास्ट में ही डालना है। और अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हम गैस को बंद कर देंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिल जाने के बाद में हम 1/2 टेबल स्पून बटर डालेंगे। आपको बटर इसे बारी बारी में डालना है, एक साथ में नहीं डालना है। अब हम अच्छे से मिला लेंगे सारी सामग्री को। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये बराबर कंसिस्टेंसी मिल गई है हमें। हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा चॉकलेट आप देख सकते हैं बन के तैयार है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारा चॉकलेट कितना सुंदर बना है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको मोल्ड में डालेंगे। हमारी चॉकलेट मोल्ड में भर के तैयार है। अभी मैं इसे फ्रीज़र में 3 मिनट के लिए रखूँगी सेट होने के लिए। हमारा चॉकलेट सेट हो चुका है, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। हमारा चॉकलेट बन के तैयार है। अभी मैं हम इसमें 2.5 टेबल स्पून वनस्पति घी डालेंगे। जब तक हमारा घी पिघले तब तक इसको हम हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा वनस्पति घी पिघल गया है। जब भी हमारा वनस्पति घी पिघल जाए तभी हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप आइसिंग शुगर और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें ज़रा भी गुठलियाँ ना रहे, एकदम स्मूथ इसको कर दीजिए। जब ये अच्छे से पिघल जाए तभी हम इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से तभी लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अमूल बटर। ये बहुत बढ़िया टेस्ट देगा चॉकलेट को। हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। अभी इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। इसे मैं मोल्ड में डाल रही हूँ। मैंने सारे चॉकलेट को मोल्ड में भर लिया है। अभी मैं इसे फ्रीज़र में 3 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।